नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे कि 2014 इलेक्शन से पहले बीजेपी एक ऐसा टैक्स रिफॉर्म करना चाहती थी जिससे वो बहुत सारे टैक्सेस को ख़त्म करना चाहती थी। तो आइए जानते हैं कि क्या था वो टैक्स रिफॉर्म और क्या था उसका प्रपोजल। तो चलिए शुरू करते हैं। 2024 के लोकसभा इलेक्शन जीतने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट पेश करेंगे। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी बड़ा टैक्स रिफॉर्म लाना चाहती थी। पार्टी की मंशा इनकम, सेल्स और एक्साइज टैक्स को ख़त्म करने की थी। तो आइए जानते हैं कि उसका क्या था प्रपोजल। 10 दिसंबर 2013 को बीजेपी ने पहली बार टैक्स खत्म करने की इच्छा जाहिर की थी। पार्टी इस प्रस्ताव को अपने 2014 के लोकसभा चुनाव के विजन डॉक्यूमेंट में भी शामिल करना चाहती थी। नितिन गडकरी विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले पैनल की अगुवाई कर रहे थे। उन्होंने इसका फायदा गिनवाते हुए कहा कि अभी देश का टोटल रेवेन्यू 14 लाख करोड़ है और पूरे भारत में 1.5 लाख बैंक ब्रांच ऑपरेट हो रहे हैं। मौजूदा टैक्स की जगह अगर ट्रांजैक्शंस वाले टैक्स को 1 से 1.5% तक बढ़ा दिया जाए तो 40 लाख करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नई टैक्स व्यवस्था से ब्यूरोक्रेसी भी खत्म होगी। तो आइए जानते हैं कि और गडकरी ने इसके बारे में क्या कहा। नितिन गडकरी ने 25 दिसंबर 2013 को ट्रेडर्स के साथ एक बैठक में भी इस प्रस्ताव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पार्टी कई टैक्सेस को ख़त्म करना चाहती है ताकि ब्लैंक मनी और इंस्पेक्टर राज की समस्या से भी निपटा जा सके। उन्होंने बैंक ट्रांजैक्शन की ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाने की भी बात रखी। उन्होंने कहा कि पार्टी में इस पर बात चल रही है लेकिन अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। तो आइए जानते हैं कि आइडिया किसका था। ये आइडिया पुणे बेस्ड थिंक टैंक अर्थ क्रांति का था। ये आइडिया बीजेपी के कई नेताओं को भी पसंद आया था जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी और नितिन गडकरी शामिल थे। 2 जनवरी 2014 को अर्थ क्रांति ने एक प्रेजेंटेशन के जरिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, यशवंत सिन्हा और नितिन गडकरी शामिल थे उनके सामने पेश किया। अरुण जेटली और यशवंत सिन्हा को ये आइडिया पसंद नहीं आया। जेटली जी ने यह तर्क दिया कि इसके लागू होने से बिना वजह गरीबों पर टैक्स का भार पड़ेगा। वहीं यशवंत सिन्हा जी ने कहा कि नए टैक्स सिस्टम से भारत की टैक्स व्यवस्था दशकों पीछे चली जाएगी। उस समय के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी ने भी इसका विरोध किया और 15 जनवरी 2014 को बीजेपी को अपना यह आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। तो ये थी कहानी बीजेपी के टैक्स रिफॉर्म की जो वो 2014 इलेक्शंस में लाना चाहते थे। तो क्या इससे पहले आपको इसके बारे में पता था तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।